मैं इनको यौमन फयौमन थोड़ा थोड़ा समझा लूंगा, थोड़ा थोड़ा इनको मनवा लूंगा। तो बात भी वही हुई, वो जो मैं रिवायत अभी आपके सामने पेश किया कि धीरे धीरे लोग आते गए। ये मिजाज है हक का, अच्छाई और नेकी का, धीरे धीरे आते लोग। तो अचानक बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बहुत बड़ा इनकलाब पैदा होकर कोई नेकी और अच्छाई मजबूती के साथ जम के कायम नहीं होती, धीरे धीरे होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला, ये जो हुई बात कि सफा पहाड़ को सोने का बनाया जाए, तो सोने का तो बनाने से अब वो नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मैं इनको समझा लूँगा। अब सोने का बनाना भी नहीं है और अदाब को मुसल्लत इन लोगों पर करना भी नहीं। तो अब उसके बाद हुआ ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ महबूब, आपकी इस कौम के समझदारों के लिए मैं एक आयत मुबारका नाजिल करता हूं। ये लोग सफा को सोने का देखकर मुझे मानना चाहते हैं, मैं इनके लिए एक आयत उतारता हूं जिसके अंदर 8 निशानियां उतारता हूं, उन 8 निशानियों को देखकर मेरी कुदरत को पहचान। तब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, वो जो अभी आपके सामने पड़ी गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में फरमाया, इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्ज, बेशक आसमानों को पैदा करने में और जमीन को पैदा करने में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, रात और दिन के बदलने में, कभी रात आती है कभी दिन, फिर उसके बाद वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास, और उन कश्तियों में जिन जो लोगों के फायदे की चीजें उठा के चलती और फिरती हैं समंदर में, उनमें उन कश्तियों में, वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाइ मिम्माइन, और आसमान से अल्लाह ने जो बारिश बरसाई उस आसमान से बरसने वाली बारिश में, फअहया बिहिल अर्ज़ा बादा मौतिहा, जिस बारिश के जरिए से अल्लाह ने मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्श दी, जो खेती वगैरह ना पैदा करने वाली जमीन थी खेती पैदा करने वाली बन गई इसमें, वबत्ता फीहा मिन कुल्ली दाब्बतिन, और इस जमीन में हर किस्म के जानवर को फैलाने में, वतस्रीफिर रियाह, और हवाओं को भेजने में, हवाओं के चलने में, वह सहाबिल मुसख्खरी बैनस्समाई वल अर्ज़, और आसमान और ज़मीन के दरमियान अल्लाह के हुक्म से कायम बादलों में, लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून, इन सारी चीज़ों में उस कौम के लिए निशानियां हैं जो अकल रखती है। ये सारी चीज़ें उस कौम के लिए निशानियां हैं जिस कौम के अंदर अक्ल होती है, जो समझदारी रखती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले फरमाया, अकल वालों के लिए मेरी निशानी क्या है, ये आसमान और ज़मीन, ये मेरी निशानी है। ऐ सफा को सोने का बनाने की ख्वाहिश रखने वालों, आसमान रोज़ाना नज़र नहीं आता, ज़मीन नज़र नहीं आ रही कि इतनी बड़ी ज़मीन का फर्श मैंने बिछा दिया, इतना बड़ा आसमान का शामियाना लगा दिया बगैर किसी प्लेयर के। तो ये देखो, ये सफा पहाड़ को सोने का बनाने से बड़ी निशानियां, आसमान खड़ा हुआ है, जमीन बिछी हुई है, जमीन उसके अंदर से हयात बख्श चीजें निकल रही है, सरसब्जियां उग रही हैं, बागात उग रहे हैं, इस जमीन से निकलने वाली खुराक को खाकर और पीकर तुम अपनी जिंदगी गुजारते हो। जरा सोचो, तुम ऐसी पैदावार कर सकते हो भाई? ऐसी पैदावार तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसा आसमान बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो फिर इन लोगों को, इन चीजों को देखकर मान लो कि मैं एक हूं और मैं हूं, यह मेरी कुदरत की निशानी है। तो आसमान यह कुदरत की निशानी है। फिर इसके अंदर अगर चला जाए ना तहकीक में, ये सिर्फ दिखने वाला आसमान, आसमान का लफ्ज़ बोल के हम खामोश ना बैठे, फिर इसकी तहकीक में जाएं तो इसके अंदर भी बहुत सारी निशानियां दिखाई देती हैं। ये चीज़ एक निशानी है, इसमें लाखों निशानियां हैं, भाई आसमान में लाखों निशानियां हैं, ज़मीन में लाखों निशानियां हैं, भाई इसी ज़मीन से सोना निकल रहा है, इसी ज़मीन से सब्जी निकल रही है, इसी ज़मीन से घास निकल रही है, भाई इसी ज़मीन से लोहा निकल रहा है, इसी जमीन से तरह तरह के मादनियात निकल रहे हैं, तो इस जमीन से क्या क्या निकल रहा है, फिर इसी जमीन से पानी भी निकल रहा है, जमीन के अंदर भी कई खसूसियात,
भाई इसी जमीन में यह सलाहियत है कि घास उगाए, इसी जमीन में यह सलाहियत है कि कोयला भी निकाले। कैसी कैसी एक चीज में कई निशानियां। आसमान, आसमान बोलने में एक है, निशानियां कई है। चुनाचे रिवायतों में आया, मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया तफसील से, ये जो आसमान हमको दिखाई दे रहा तो इस तरह के और आसमान इससे ऊपर छह हैं। जुमला सात आसमान है कुरान में भी आया। फिर सात आसमान के दरमियान में, हर आसमान के दरमियान में 500 साल की मसाफत का फासला है, हर आसमान के दरमियान। ये जो दिखाई देने वाला आसमान है, इसके ऊपर जो आसमान है उस तक पहुंचने तक फिर 500 साल लग जाएंगे, इस तक पहुंचने के लिए भी 500 साल लगेंगे। फिर ये भी याद रखें, हर आसमान अलग अलग क्वालिटी का है, हर आसमान की जिन्स अलग अलग है। जैसे आप समझें कि एक गिलास है तो मिट्टी का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, धात अलग अलग है। आसमान सात हैं, सात आसमानों में से हर आसमान अलग अलग धात का बना हुआ है। ये देखिए कितनी निशानियां। सिर्फ आसमान कह के गुजरना ये भी नहीं, उसके अंदर कई निशानियां हैं, कई निशानियां। तो आप देखें, अल्लाह फरमाता है कि ऐ बंदो, ऐ मेरी कुदरत का इनकार करने वालों, ऐ बंदो मेरे वजूद का इनकार करने वालों, मेरी जमीन का खाकर, मेरे आसमान से बरसने वाले बादल से पीकर, मेरी कुदरत का इनकार करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती। जरा सोचो, इतनी बड़ी बड़ी निशानियां होने के बावजूद एक पहाड़ को सोने का बनाने की आरजू करते हो। तुम समझना चाहते हो, अकल रखते हो, शऊर रखते हो, हर तरफ देखो मेरी निशानियां नजर आती। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अल्लाह ने फरमाया वख्तिलाफिल लैल वन नहार, ये जो शबो रोज की गर्दिशें हैं कि रात और दिन का आना जाना, रात और दिन का बदल के आना जाना, ये भी मेरी निशानी है। अल्लाह ताला इसको कई इस अलग मुख्तलिफ पैराओं में जाहिर फरमाया कुरान में, यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल, कि अल्लाह तबारक व ताला रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, तो दिन में से रात निकालता है, रात में से दिन निकालता है। ये क्या चीज है रात और दिन, क्या हकीकत है। तो अल्लाह, अगर इसकी गहराई में जाया जाए, अकल से काम लिया जाए, इसी रात और दिन की गर्दिश को समझने से अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी, भाई अल्लाह की पहचान नसीब हो जाएगी। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। फिर मैं मुख्तसर बयान करना चाहता हूँ। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि वल फुल किल्लती तजरी फिल बहर, जरा गौर नहीं करते कि छोटा सा कंकर भी अगर समंदर में या तालाब में डाले तो डूबेगा, कभी नहीं तैरेगा, लेकिन बड़ी बड़ी कश्तियां, बड़े बड़े बोझ उठाकर समंदर की सतह पर से तैरती भी जाती हैं, डूबती नहीं है। ये कश्तियों का एक कंकर पानी में डूब सकता है लेकिन हजारों टन भारी कश्ती नहीं डूबती। ये क्या है, ये मेरी कुदरत की निशानी है। अगर मैं चाहूं तो आने वाहिद में कश्ती को डुबा दूं, उसके अंदर ये सलाहियत और तासीर ही कायम ना रखूं कि वो समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर चल सके। जरा सोचो, एक कंकर का वजन भारी है, कश्ती का वजन भारी है, कंकर डूब रहा है, कश्ती तैर रही है, ये मेरी कुदरत की निशानी है। फिर तुम्हारे अपने फायदे के बोझ लेके कश्तियां जाती हैं, उसमें मुख्तलिफ अनाज होते हैं, मुख्तलिफ जखायर होते हैं, तो ये मेरी कुदरत की निशानी है। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समा, ये जो आसमान से बारिश बरस रहा है, जरा गौर करो, ये भी मेरी कुदरत की निशानी है कि इसी बरसने वाले आसमान से मैंने जिंदगी, जमीन को जिंदगी अता कर दी। जमीन बंजर रहती है, जमीन बेसरजो शादाब रहती है, जमीन बेघास की रहती है, जमीन सूखी रहती है, उसके ऊपर जब मैं आसमान से बारिश बरसाता हूं, आसमान से बरसने वाला बारिश जब जमीन से आकर टकराता है तो जमीन के अंदर जान पैदा होती है और वो हरियालियों को उगाती भी नजर आती है, तो ये भी मेरी कुदरत की निशानी है। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, फिर इसमें से इसी जमीन में मैं हर किस्म के चौपायों को फैला दिया, हर जानवर को फैला दिया।
ये हर जानवर भी तुमको नजर आता है खाता पीता तुम्हारी सहूलत के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए ये सब जानवर है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वो तशरीफ रिया, हवाओं के चलने में भी मेरी कुदरत है। खाली हवा पे गौर किया जाए तो इसके अंदर कई किस्म की हवाएं होती हैं। अगर हवा खत्म हो जाए तो इंसानियत खत्म, हैवानियत खत्म। तो हवाएं भी बहुत सारे अपने अंदर रूप रखती हैं, कई किस्म की हवाएं होती हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आगे अर्ज करूंगा, यहां मैं मुख्तसर ही अर्ज करना चाहता हूं कि हवाएं जो होती हैं, हवाओं का करिश्मा यह है जिसको खादी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। खादी शुरैह वो कहते हैं जब भी हवा चलती है उसके अंदर ये तासीर होती है कि बीमार को शिफा दे या कोई सेहतमंद है तो उसको बीमार करे। कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो बीमार को शिफा का जरिया बनती है बीमार के लिए, कुछ हवाएं ऐसी होती हैं जो सेहतमंद को बीमार बना देती है। ये अल्लाह की आजमाइश। तो हवाएं भी एक जैसी नहीं है। और हजरत बिक्र बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बिक्र बिन अब्बास, ये जो बादल है, बादल पानी का जखीरा लाता है अपने अंदर, अपने सीने में जमा करता है, उसके बाद नाजिल करता है बादल। तो हजरत बिक्र बिन अब्बास कहते हैं, जिसको तफसीर रूहुल बयान में बयान किया गया कि ला तखरुजु मिनस सहाबी कतरतुन हत्ता तामला फिस सहाबी हादिहि रियाहुल अरबा। वो कहते हैं कि ये बादल जो हैं उनके अंदर तो पानी जमा रहता है, लेकिन यही बादल जो अपने सीने में समंदर जमा करके रखते हैं, वो बादल एक खतरा भी नहीं बरसा सकते, एक खतरा भी नहीं बरसा सकते जब तक के चार किस्म की हवाएं उसके अंदर अपनी कारकर्दगी न बताएं। हवाओं की कारकर्दगी से बादल पानी के खतरात बरसाते हैं। ये हवा है। तो अल्लाह तबारक व तआला एक अजीब निजाम पैदा फरमाया। हवाएं भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है, भाई अल्लाह के वजूद को बता रही है। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वस सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्ज, ये बादल जो मुसख्खर हैं ये अल्लाह के हुक्म से चलने वाले हैं, आसमान और ज़मीन के दरमियान में अल्लाह ने बादल को रखा। तो ये भी निशानियाँ हैं, मगर ये सारी निशानियाँ उन लोगों के लिए हैं जो अकल रखते हैं, जो साहिब समझ हैं, जिनकी निगाह गहराई की है, जो सतही नज़र रखने वाले नहीं हैं। तो ये सब निशानियाँ हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आगे दर्स में मैं अर्ज़ करूँगा आपके सामने कि ये तो बाहर की निशानियाँ हैं, ये इंसान के अंदर रहने वाली निशानी नहीं है। भाई इंसान को समझाया जा रहा, भाई इंसानों को दावत फिक्र दी जा रही, निशानियाँ ये सब की सब इंसान से बाहर की। भाई आसमान इंसान में नहीं, बाहर की निशानी है। समझना किसको है ये सारी निशानियाँ? इंसान को समझना है। परवरदिगारे आलम इंसान को समझाना चाहता है, इंसान को अपनी कुदरत का इरफान देना चाहता है, फिर अपने वजूद की पहचान कराना चाहता है, बाहर की निशानियां बयान किया। लेकिन दूसरी आयतें हैं कुरान में ऐसी जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी निशानियां बयान किया है, ऐ इंसान तुझे बाहर जाके मेरी कुदरत की निशानियां तलाश करने की जरूरत नहीं है, खुद तेरे अंदर कई निशानियां हैं जो मेरी कुदरत पर दलालत करती हैं, जो मेरी कुदरत को बताती हैं। तू अपने में देख ले कि कितनी निशानियां तेरे अंदर मैंने रखी हैं। तो दोस्तों ये निशानियां जिनकी तहकीक में हमको जाना था, जिनकी जुस्तजू में हमको रहना था, इन निशानियों को समझने की कोशिश आज अख्तियार कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। हम तफक्कुर छोड़ दिए, फिक्र छोड़ दिए, जहनी उसात हमारे अंदर से खत्म हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अभी आज जितनी भी साइंस तरक्की करके आसमान के बारे में, ज़मीन के बारे में, उनकी हकीकतों के बारे में, समंदरों के बारे में, सितारों के बारे में, सितारों की गर्दिशों के बारे में, लैलो नहार के बारे में, और सैयारों के बारे में, जितनी बातें साइंस आज तरक्की याफ्ता नाम के पर्दे में दुनिया के सामने ला रही है, ये सारी बातें इस्लाम ने पहले ही कर दी हैं, पहले ही कर दी है। मुफस्सिरीन ने सारी चीजों को तफसील से बयान कर दिया है।
तो ये सारी चीजें अल्लाह की निशानियां हैं। अब अकलमंद आदमी कौन है, अकलमंद कौन है, तो दूसरी आयतें हैं कुरान की, उसमें आया है, मैं आगे अर्ज करूंगा कि अकलमंद आदमी वो है जो इन निशानियों को समझता है, समझ के अनजान नहीं मानता। भाई आज गैर भी इन निशानियों को समझ रहे, भाई यहूद और नसारा भी समझ रहे, निशानियों को देख रहे और उसको जानने की कोशिश कर रहे, उसके अंदर रसाई हासिल कर रहे, लेकिन अनजान मान रहे, ईमान तो ला रहा नहीं। भाई अल्लाह की कुदरत की निशानियां देख रहा लेकिन अल्लाह की कुदरत को नहीं मानता, अल्लाह के वजूद को नहीं मानता, भाई अल्लाह के इनाम की हकीकत को नहीं मानता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे दूसरी आयत में फरमाया, दूसरे पारे में किसी, कि अब इसके अंदर ये राज है कि ये निशानियां समझकर, समझने वाला कौन है, अकलमंद, अकलमंद कौन है, कैसे मालूम करें अकलमंद है, ये आदमी अकलमंद है। तो अकलमंद होने की अलामत यह है कि निशानियों को देखता जाए, अल्लाह को मानता जाए और अल्लाह का जिक्र करता जाए, तो ये मानने, ये समझने की दलील हो जाती है। तो ये निशानियां बहुत बड़ी कीमती हैं, इनको देखा जाए। अल्लाह ने कुरान में ऐसी बेशुमार चीजें बयान फरमाई जिनको पेश नजर रखकर, मुताला कर कर या समझ कर सुनकर बंदा अल्लाह से करीब हो सकता है और अल्लाह की बारगाह में कुर्बत हासिल कर सकता है। एक हदीस शरीफ में आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आयत मुबारका है आठ चीजों पर, आठ निशानियों पर मुश्तमिल, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि वैलुन, तबाही है उस आदमी के लिए, बर्बादी है उस आदमी के लिए जो इस आयत को पढ़ता भी है और पढ़कर इसको नजरअंदाज करता है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उसके लिए वैल है, तबाही है। तो इस कुदरत की बयान करता आयत को पढ़ने के बाद उसको कबूल करने का जज्बा होना है, ये अल्लाह की कुदरत को वाकईतन मानने का जज्बा पैदा होना है, यही बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कदीर हम सबको अपनी निशानियों को समझने और उस पर मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।